सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर फरवरी में सुनवाई करने की बात की जिसमें राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे मामले पर फरवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि इस पूरे मामले में तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि फिलहाल संविधान पीठ में सुनवाई जारी है, इसलिए फरवरी में इस पर सुनवाई होगी। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने इस पूरे मामले में जवाब देने की प्रतिबद्धता जताई है और कैबिनेट सचिव को इस पर समन जारी किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि एसजी तुषार मेहता ने 12 दिसंबर तक जवाबी एफिडेविट फाइल करने की बात कही थी लेकिन जवाब अब तक दाखिल नहीं किया गया। पहले कहा गया था कि सरकार का जवाब तैयार नहीं है, अब तैयार हो चुका है तो उसे पेश नहीं किया जा रहा। स्वामी की इन दलीलों पर मेहता ने कहा कि इस मांग पर चर्चा जारी है और सरकार विचार करेगी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मामले में फरवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। राम सेतु एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले इस पुल को लेकर अलग अलग दावे हैं, अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग किस्से हैं। भारत में राम सेतु पर विवाद और राजनीति खूब हुई है पिछले कुछ सालों में। एक बार फिर से राम सेतु राजनीतिक दलों की जंग का अखाड़ा बन गया है। इससे जुड़े कुछ विवाद और किस्से आपको सुनाते हैं और राम सेतु से जुड़े जो दावे किए जाते रहे हैं उस बारे में भी आपको बताते हैं। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस सेतु को भगवान राम ने बनवाया था। कहते हैं कि जब लंका के राजा रावण ने मां सीता का हरण कर लिया था तो भगवान राम ने वानर सेना की मदद से इस सेतु का निर्माण किया था। इस सेतु के जरिए पूरी वानर सेना लंका पहुंची थी और राक्षसों का संहार करके माता को मुक्त कराया था। अंग्रेज इस एडम ब्रिज के नाम से इसे कहते हैं तो मुस्लिमों के अनुसार इसे आदम ने बनवाया था। वैज्ञानिक इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते, वे इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं। अब आपको बताते हैं कि सेतु समुद्रम से ये शुरू हुआ विवाद आखिर यहां तक पहुंचा कैसे। दरअसल भारत में राम सेतु को लेकर असली विवाद साल 2005 में शुरू हुआ। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग नहर योजना को हरी झंडी दे दी। इस परियोजना के तहत इस सेतु को तोड़कर एक मार्ग तैयार करना था जिसमें कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले जहाजों को श्रीलंका के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय, दूरी और ईंधन तीनों की बचत होगी। हालांकि हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया और यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब आपको बताते हैं कि वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो उन्होंने इसे मंजूरी दी थी। सेतु समुद्रम परियोजना को वाजपेयी सरकार ने ही मंजूरी दी थी। साल 2004 में वाजपेयी सरकार ने इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट भी बाकायदा रखा था। हालांकि चुनावों में एनडीए सरकार की विदाई हो गई और कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने जब इसे आगे बढ़ाने पर काम किया तो बीजेपी ही विरोध में खड़ी हो गई और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। राम सेतु काल्पनिक है। कांग्रेस 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया और इसमें यह कहा गया कि राम सेतु काल्पनिक है। वहां कोई पुल नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया है, यह किसी सुपर पावर से बना होगा और फिर खुद ही नष्ट हो गया होगा। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई और ना ही इसके कोई सबूत है। कांग्रेस की ओर से यह हलफनामा दाखिल हुआ और विवाद शुरू हो गया, जमकर इसका विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इसे बाद में वापस ले लिया और उनका कहना था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारा मकसद ऐसा नहीं था जिसे प्रोजेक्ट किया गया। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में एएसआई के दो अधिकारी तक सस्पेंड हुए, यानी ये समझिए कि ये मामला प्रशासनिक अमले तक भी जा पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने एक हलफनामे में राम सेतु के अस्तित्व को खारिज कर दिया था और इस बात पर देश में इतना बवाल हुआ कि हलफनामा तो वापस हुआ ही, एएसआई के अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया। हाल ही में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें यह सारा चित्रण बाकायदा दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह कहा गया कि राम सेतु को तोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि इस परियोजना को नए विकल्प खोजने के लिए जारी रखा गया है। जितेंद्र सिंह, उनका बयान, केंद्रीय मंत्री थे और उनका बयान जमकर राजनीति का जरिया बना और राजनीति का विषय बना। संसद में राम सेतु पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया था और इस पर सियासत तेज हुई। राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया था। सदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय सिंह के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि इसकी खोज हमारी कुछ सीमाएं हैं, इसकी खोज में
वजह यह है कि इसका इतिहास 18,000 साल पुराना है और अगर इतिहास में जाएं तो ये पुल करीब 56 किलोमीटर लंबा था। टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ हद तक हम सेतु के टुकड़े, आइलैंड और एक तरह के लाइमस्टोन के ढेर की पहचान कर पाए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पुल का हिस्सा है या उसका अवशेष। जितेंद्र सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला। जैसा कि हमने जिक्र किया अक्षय कुमार की फिल्म का, अक्षय कुमार की नई फिल्म राम सेतु का टीजर लॉन्च हुआ 26 सितंबर को, जिसने एक बार फिर एक बहस को जन्म दे दिया। इस पर चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों का मानना यह भी है कि रामायण में वर्णित लंका का पुल यही है जिसे वानर सेना ने बनाया था। बहुत संक्षेप में आपको बता दें, दरअसल राम सेतु है क्या, कई विवादों और कानूनी मामलों पर इस पर चर्चा हो रही है। इसका पारिस्थितिकी महत्व क्या है, इन सब के बारे में संक्षेप में जानिए। इस ब्रिज की खास बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है, इस सेतु का जिक्र है। जहां एक तरफ हिंदुओं का मानना यह है कि यह भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका पार करने और रावण से लड़ने के लिए बनाया गया था, वहीं इस्लामिक कथाओं के अनुसार एडम ने इस पुल का उपयोग आदम को चोटी तक पहुंचाने के लिए किया था, जहां वो एक पैर पर लगभग 1000 वर्षों तक पश्चाताप में खड़े रहे। ये पूरी कहानी है। पर वैज्ञानिक इस पर कहते हैं कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है जो टेक्टोनिक मूवमेंट और कोरल में रेत के फंसने से बन जाती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से सबूत पेश किए गए हैं कि ये पुल मानव निर्मित है। कई हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों का यह भी तर्क है कि पुल पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है, ये वास्तव में भगवान राम के द्वारा ही बनाया गया था। कई बार विवादों में ये राम सेतु रहा है, जैसा कि जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। साल 2005 से इस पर चर्चा हो रही है। राम सेतु का मुद्दा एक बड़े विवाद में तब फंसा जब यूपीए सरकार के दौरान सेतु समुद्रम परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई, जिसका जिक्र हमने आपसे पहले किया। इसमें दक्षिणपंथी निकायों और तत्कालीन विपक्षी भाजपा ने इसे हिंदू भावनाओं पर हमला बताया था और जमकर कांग्रेस पार्टी को घेरा था। राम सेतु पर विभिन्न अध्ययनों का प्रस्ताव भी किया गया। अभी हाल में 2021 में जब सरकार ने इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक पानी के नीचे अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी थी, तब भी ये चर्चा में आया था। अब एक बार आपको संक्षेप में बता देते हैं कि दरअसल सेतु समुद्रम परियोजना क्या है। सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना का उद्देश्य 83 किलोमीटर लंबे गहरे पानी के चैनल का निर्माण करके भारत और श्रीलंका के बीच एक शिपिंग मार्ग बनाना है, जिसका जिक्र हमने साल 2005 के संदर्भ में आपसे किया, जिसमें भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच यात्रा का जो समय है वो कम हो जाएगा, ईंधन की बचत होगी क्योंकि दूरी कम हो जाएगी, जिससे जहाजों को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का चक्कर लगाकर नहीं आना पड़ेगा। इस परियोजना को 1860 के दशक से ही प्रस्तावित किया गया था। ये प्रोजेक्ट एनडीए का रहा, 2004 में सरकार के तहत शुरू हुई, जिसमें वाजपेयी शासन ने 2004 में 3,500 करोड़ रुपए का बजट बता दिया था और 2005 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने तो इन्होंने इसकी जो शुरुआत थी वो की, लेकिन ये शुरुआत होते ही ये विवादों में फंस गया। परियोजना लगातार सांप्रदायिक रंग लेती रही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदालत में एक हलफनामे में राम सेतु के अस्तित्व को खारिज करने के लिए कहा। इससे इतना हंगामा हुआ कि न केवल हलफनामा वापस लिया गया बल्कि एएसआई के दो अधिकारियों को भी निलंबित किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया। इस परियोजना ने और अधिक सांप्रदायिक रंग तब ले लिया जब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 2007 में गौतम सेन का एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें लिखा था कि राम सेतु चैनल को इस आधार पर खोदना कि न तो राम थे और ना ही कोई ऐतिहासिक पुल, बस अपमानजनक है। ये एक पूरी सभ्यता को उसकी नींव को नकारना है, अनाथ करने के बराबर है। ये स्टेटमेंट जैसे ही छपा विवाद एक बार फिर बढ़ा था। परियोजना की वर्तमान स्थिति जिसको लेकर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, दरअसल ये कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना के निष्पादन में राम सेतु प्रभावित नहीं होगा। फिलहाल राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग चल रही है और ये मांग बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की है और कोर्ट में ये याचिका दाखिल हुई। पीआईएल दाखिल करने के बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में इस पर सुनवाई होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।